पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ऍप. आइए आइए रायबागन आइए, तशरीफ रखिए. शुक्रिया नवाब साहब, धन्यवाद. आप दक्कन की इसी मुल्क से हैं और यहां के पहाड़ी इलाकों से बखूबी वाकिफ है, और सबसे बड़ी बात, आप मुगल सल्तनत की वफादार हैं. जी नवाब साहब. खुद बादशाह सलामत ने आपके जुनून जंग की तारीफ की है और इन्हें हमारी फौज में शामिल करने की हिदायत दी है. तो आपकी जिम्मेदारी यह है मोहतरमा कि अब आपको तय करना है कि हमें सबसे पहले कौन सा मुल्क और कौन सा किला फतेह करना है. मुलुक घ्यावा, रोहिड खोरे आणि आसपासचा मुलुक घ्यावा, जावळी घ्यावी. तो फिर क्या फायदा अगर किला ही हात नाही? तो शिवाजीचा किल्ला इतक्या सहजासहजी घेणं मुश्किल आहे. ये कैसी बातें कर रही है रायबागन? आपको शायद पता नहीं, हमने किले के जानी उंगली उठाने की देर और किला हमारा. बिल्कुल, पर उंगली उठाने के लिए एक साल रुकना पड़ेगा. क्या? जी नवाब साहब, शिवाजी आता पन्हाळ्यावर आहे. राजगडाशी त्याचा असलेला संपर्क तोडायचा असेल तर मध्ये पाचर मारावी लागेल, आणि म्हणून जावळी घेणं महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट, पुण्यात फक्त येऊन काय साधणार होत आपण? त्या उलट जर स्वराज्याची प्रत्येक सीमा आपल्या हातात असेल तर शिवाजीच्या रसदीचा मार्ग बंद होईल, आणि उत्तरेकडून आपली येणारी रसद चालू ठेवण्यासाठी चाकणला वेढा घालू आणि तो जिंकण्याचा प्रयत्न करू. इन औरतों को बोलने का मौका मिल जाए तो वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती. खान साहब, ही युद्ध नीती ठरवायची बैठक आहे का या श्लोकांची मैफिल? खामोश, ये हमारी तौहीन है. मग माझा अपमान नाही झाला? औरत का क्या मान और क्या अपमान? क्यों, औरत इंसान नहीं होती? हाँ होती है, लेकिन पहले औरत. औरत और आईना क्या फर्क है? मी आईन्यात नाही बघत, तलवारीच्या पात्यात बघते. माझी तलवार जर म्याना बाहेर उसळली ना तर गर्दन राहणार नाही. गाझी खान, चुप. खामोशी इख्तियार हो. राय बगान, आप कुछ देर के लिए शामियाने के बाहर जाएं. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ऍप.